फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, इन द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर इज इम्पोर्टेंट प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल। और इस सीरीज में हमने अब तक 8 पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर किया है, एंड आज हम इस वीडियोज में 3 इम्पोर्टेंट थिंकर्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें है एडमंड बुर्के, लुईस अल्थुसर एंड एडवर्न बर्नस्टीन। एडमंड बुर्के, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक द वीडियोज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन न्यू वीडियो इज अपलोडेड। फ्रेंड्स, एडमंड बुर्के बोर्न इन 1729 इन डबलिन, आयरलैंड, एंड इन 1765 ही इज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड रिमेंड एमपी टिल हिज डेथ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए मेजर वर्क हैं विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 756, ए फिलोसफिकल इंक्वायरी इन टू ओरिजन ऑफ आवर आइडियाज एंड सप्लाइम द ब्यूटीफुल 759, अपील फ्रॉम न्यू टू ओल्ड वीक 1791, थॉट्स ऑन फ्रेंच अफेयर 1791 एंड लेटर ऑन रेजोसाइड पीस 1796-97, रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस 1790। ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस। यही जो काम है, यही जो वर्क है, जो एक फाउंडेशन रखेगा कंजर्वेटिज्म की। एंड व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म है क्या। फ्रेंड्स, एडमंड बुर्के का कंजर्वेटिज्म क्या है? बुर्के का कंजर्वेटिज्म ये है कि अकॉर्डिंग टू द एडमंड बुर्के कंजर्वेटिज्म, पॉलिटिक्स कांट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। अब ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई हिस्ट्री नहीं होती, जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ही नहीं होता, बिल्कुल नए होते हैं वो, समथिंग दैट इज़ न्यू, दैट डजंट हैव एनी हिस्ट्री, दैट डजंट हैव एनी अदर टाइप ऑफ इस, मतलब किसी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसने कहा कि पॉलिटिक्स में ऐसे ही नहीं चल सकते कि किसी की कोई हिस्ट्री नहीं हो और हम चला लें। पॉलिटिक्स के लिए हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, उसके एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो ही फोकस ऑन रूट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उसने फोकस किया, ये कंजर्वेटिज्म है। सोसाइटी इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जनरेशन आर मेड, एंड एक इम्पोर्टेंट कोट कही है इसने, इट इज़ वॉस हिस्टोरिकल पार्टनरशिप, दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु विल बी बोर्न, इट इज नॉट टू अंडरस्टैंड बाई एनी ग्रुप, क्लास और इंडिविजुअल। इसने बताया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक वास्ट हिस्टोरिकल पार्टनरशिप से बनी हुई है, जो जिंदा है जो लोग, जो मर गए और जो पैदा होंगे उनके आपस में बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, और हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी सीरीज के साथ में हम जुड़े हुए हैं। हमें इस चीज़ से पॉलिटिक्स को नहीं समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स किसी एक क्लास की के कारण एग्जिस्टेंस में है, किसी ग्रुप के, किसी इंडिविजुअल के कारण एग्जिस्टेंस में है। ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट इन अनदर फॉर्म, इट इज़ फ्रॉम स्क्रैच विल बी मिस्टेक। ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, इट्स मेन आइडिया क्या है कि ये एडमंड बुर्के अपने कंजर्वेटिव में कहते हैं कि कोई सोचता है कि कोई रिवॉल्यूशन कर देगा और रिवॉल्यूशन करने के बाद हम नई सोसाइटी को बना देंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। यदि कोई ऐसा करना चाहेगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। कोई सोचता है कि हम वी विल कोलैप्स दिस एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड फॉर्म न्यू सोसाइटी, एट इट विल बी ए बिग मिस्टेक, दैट इज ऑल रिवॉल्यूशनरी ट्राई टू डू। अकॉर्डिंग टू एडमंड बुर्के, सडन चेंज इज डिस्ट्रक्टिव। इसने बताया कि जो सडन चेंज होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। दिस शुड ओनली बी थ्रू द ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एंड चेंज, द रिफॉर्म्स शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेजुअल, नॉट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। व्हाई एडमंड बुर्के इज नोन,
एडमंड बुर्के को किस लिए जाना जाता है? ही इज नोन फॉर हिज कंजर्वेटिज्म एंड ही वाज अगेंस्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ही क्रिटिसाइज द मिस गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया एंड अमेरिका. ही वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. इम्पीचमेंट में का मतलब होता है महाभियोग, जिसको बोलते हैं इम्पीच किया जाता है किसी को, किसी के खिलाफ कोई भी करप्शन चार्जेज होते हैं, डिसलॉयल्टी के चार्जेज होते हैं, उसके खिलाफ इम्पीच किया जाता है उस बंदे को, तो उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज एडवर्न बर्नस्टीन. एडवर्न बर्नस्टीन का क्या है? एडवर्न बर्नस्टीन वाज ए मार्क्सिस्ट थिंकर और यू कैन से सोशलिस्ट थिंकर थे वो एडवर्न बर्नस्टीन. तो बिफोर कवर अप द एडवर्न बर्नस्टीन फिलोसफिकल पार्ट, लेट अस सी कार्ल मार्क्स और मोस्टली मार्क्सिज्म के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसकी क्या क्या हैं. लेनिन और उसकी थ्योरी को जाना जाता है वैनगार्ड पार्टी. ग्राम्स्की एंड लुकास ने दिया था मार्क्सिज्म का वेस्टर्न मार्क्सिज्म. वेस्टर्न मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट की बात आती है तो सबसे पहले जाना जाता है ग्राम्स्की एंड लुकास को. इसके बाद है एडवर्न बर्नस्टीन जिसको रिविजनिज्म के लिए जाना जाता है. इसके बाद लुईस अल्थुजर जिसको स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है. निकोलस प्लंताज स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है. और राल्फ मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म के नाम पे जाना जाता है. मतलब लुईस अल्थुजर एंड निकोलस प्लंताज स्ट्रक्चरल हैं, राल्फ मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटल है, एडवर्न बर्नस्टीन रिविजनिज्म है जो हमारे जो हम पढ़ेंगे अभी, ग्राम्स्की एंड लुकास वेस्टर्न मार्क्सिज्म है, एंड लेनिन इज नोन फॉर हिज वैनगार्ड पार्टी कॉन्सेप्ट. एडवर्न बर्नस्टीन बिलोंग्स टू जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे. इन द बिगिनिंग ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लाइक अदर मार्क्सिस्ट ऑफ जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. स्टार्टिंग इज कैरियर ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स. Orthodox Marxists are those Marxists who were in favor of Marx. What he said in his philosophical part, they were standby, they were in parallel thoughts that Marx ने जो भी बोला है वो सही है. They were the staunch Orthodox. But क्या होता है, after his sometimes death of Frederick Angel in 1895 gave his freedom to differ from core exemption of Marx. तो फ्रेडरिक एंजल का जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसमें बहुत बड़ा रोल था. बट उसकी डेथ के बाद क्या होता है, ये अपनी विचारधारा को चेंज कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट अ प्योर और यू कैन से ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, आई वांट टू चेंज माय व्यूज. ऐसा क्यों होता है, क्यों बोला जाता है, ये क्यों कहते हैं ऐसा? इसमें एक ये है कि अकॉर्डिंग टू हिम ग्रेट सिंगल लीप और सडन चेंज. ग्रेट सिंगल लीप का मतलब होता है बिल्कुल सडन चेंज फ्रॉम द कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म इज नॉट पॉसिबल. ये कह जो वो था ना मार्क्सिस्ट ने, मार्क्स ने कहा था कि हम है ना अचानक से है ना रिवोल्यूशन करेंगे हम, और जो रिवोल्यूशन होगा वो हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोशलिस्ट सोसाइटी बना देंगे, एंड इस सोसाइटी के अंदर कोई क्लास नहीं होगी. बट ये कहते हैं कि जो सडन चेंज होगा ना वो अच्छा नहीं होता. सोसाइटी कैपिटलिज्म विल नॉट कोलैप्स इटसेल्फ एंड सोशलिज्म विल नॉट सेट अप ऑटोमेटिकली. बर्नस्टीन दस मॉडिफाइड द नंबर ऑफ मार्क्स बेसिक आइडियाज. होता क्या है कि फ्रॉम 1896 से ही पब्लिश हिज आइडियाज इन मेन सीरीज ऑफ आर्टिकल्स. जर्नल एक जर्नल चलता था न्यू एज उस टाइम पे, उसमें इसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए. उसने कहा था कि जो सडन चेंज है ना वो अच्छा नहीं है. तो दीज आइडिया को क्रिटिसाइज किया था स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे उस टाइम पे, कार्ल काट्सकी एंड रोजा लग्जमबर्ग एंड अदर, जो एक ऑर्थोडॉक्स स्टोन्स ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं जिनको, स्टोन्स मार्क्सिस्ट थे ये, इन लोगों ने इसको वो किया, इसका अपोज किया था. उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये होता है
ही अगेन क्लैरिफाई हिज आइडिया इज अनदर वर्क। अब उसके इस आइडिया को जब उन्होंने जब क्रिटिसाइज किया कार्ल कोट्स की और रोजा लग्जमबर्ग ने, तो उसने अगेन एक फिर अपने आइडियाज को रिवाइज किया, प्योरीफाई किया एंड अगेन एक द बुक लिखी उसने, द प्री कंडीशन ऑफ सोशलिज्म एंड टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन 1899, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, क्रिटिसिज्म एंड अफर्मेशन। ये उसने काम किया यहाँ पे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क थे इसमें ही गेम ही दिस वर्क्स गेव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड द सोशल डेमोक्रेसी। ये जो इसके जो दो दो बुक लिखी थी जो प्री कंडीशन ऑफ सोशलिज्म वाली, इन जो वर्क्स ने इनको एक नई कॉन्सेप्ट मतलब राइज करने में मदद की, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और सोशल डेमोक्रेसी, जो कि मार्क्सिज्म के अंदर इसको रिविजनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसको रिवाइज किया था। तो हमने स्टार्टिंग में देखा भी था बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एडोन बर्नस्टीन, कि जो एडोन बर्नस्टीन का जो काम था वो रिविजनिज्म के नाम से जाना जाता है मार्क्सिज्म के अंदर, इफेक्ट ऑफ बर्नस्टीन आइडियाज। अब बर्नस्टीन ने जो भी ये विचारधारा दे दी, जो आइडियोलॉजी इसने प्रकट की है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, उसे ये होता है कि जो मार्क्सिज्म मार्क्सिस्ट जो थिंकर थे उस टाइम के, दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट और एक रिविजनिस्ट मार्क्सिस्ट हो जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स वो थे जो कार्ल मार्क्स को सही बोलते थे और कहते थे कि रिवोल्यूशन की ज़रूरत है टू ओवर थ्रो द कैपिटलिज्म फ्रॉम सेटिंग ऑफ सोशलिज्म। जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर था जो ऑर्थोडॉक्स था वो था रोजा लग्जमबर्ग। अब रिविजनिस्ट कौन थे, सोशलिज्म कैन बी स्टेबलाइज्ड इवन विदाउट वायलेंट रिवॉल्यूशन थ्रू ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेसी। ये था मेन प्रोपोनेंट एडोन बर्नस्टीन। बर्नस्टीन आइडिया केम टू बी नोन एज सोशल डेमोक्रेसी। जो सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो बर्नस्टीन ने ही दिया था। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंकर इज लुईस अल्थुसर। लुईस अल्थुसर इज नोन एज स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के लिए जाना जाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा भी था कि लुईस अल्थुसर को स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। उसका जो वर्क था, जो उसने जो थ्योरी दी थी, जो फिलोसफिकल पार्ट था, वो मार्क्सिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे एडवर्न बर्नस्टीन का जो वर्क था, जो थ्योरी थी, वो मार्क्सिज्म में रिविजनिज्म के नाम से जानी जाती है। सेम हिज इम्पोर्टेंट मेजर वर्क यू कैन से फोर मार्क्स 1965, रीडिंग कैपिटल 1965 एंड आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस 1970। तीन इम्पोर्टेंट वर्क हैं। ही इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी क्या थी, ही वाज अगेंस्ट द मार्क्सिस्ट ह्यूमैनिज्म। अब ह्यूमैनिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट ह्यूमैनिज्म तो एक वर्ड हो गया, हम अब इसको ब्रेक करते हैं अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ह्यूमैनिज्म क्या होता है, ह्यूमैनिज्म एक थ्योरी होती है, एक थॉट होता है, जिसके अंदर हम ह्यूमन को सेंटर पॉइंट रख के किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं। किसी भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो हम सोचते हैं कि ये पॉलिसी वुमेन को सेंटर में रखा जाए, मतलब कोई इसमें हमेशा कोई बेनिफिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का बेनिफिट हो, वुमेन का बेनिफिट हो, और नुकसान हो तो कम से कम वुमेन का नुकसान हो इस पॉलिसी में। तो वो थ्योरी को जो कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई थ्योरी आइडियोलॉजी होगी, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। नाउ मार्क्सिस्ट ह्यूमैनिज्म से क्या मतलब हुआ, जो मार्क्सिस्ट ह्यूमैनिज्म है ये एसोसिएटेड है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ मार्क्सिस्ट वर्क। अब जो क्रिटिकल थ्योरी क्या थी मार्क्सिस्ट वर्क मार्क्सिस्ट की, मार्क्स की जो क्रिटिकल थ्योरी क्या थी, वो ये थी कि इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक लिखी थी इसने मार्क्स ने 1844 में, जो पब्लिश हुई थी 1930 में जाके। ये कंसिडर किया जाता है ये एक ह्यूमैनिटिक टेक्स्ट है, ये माना जाता है, ये मार्क्स मानता था इसको। मार्क्स के जो स्टोन्स ऑर्थोडॉक्स जो थिंकर थे वो मानते थे कि इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैनुस्क्रिप्ट जो बुक है, जो 1844 में लिखी गई, जो पब्लिश हुई 1930 में, ये ह्यूमैनिस्टिक वर्क है, ह्यूमैनिस्टिक टेक्स्ट है, जिसको ह्यूमन को सेंटर में रखा गया है और फिर एनालिसिस की गई है इस किसी भी सिस्टम में। बट जो लुईस अल्थुसर कहता है कि दिस समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कांट बी ए रियल ह्यूमैनिस्टिक। उसने बोला कि कोई बिकॉज जो इकोनॉमिक एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड थी,
बट ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्क इज जस्ट समथिंग दैट इज दैट डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल मेटरलिज्म कांट बी ए रियल ह्यूमनिस्टिक। मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल थ्योरी। मार्क्सिस्ट वर्क क्या है ये हमने कवर कर लिया। इसमें अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कहता है कि जो इसने एक अपना जो स्ट्रक्चरल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट में कहा था कि इट इज़ एन एंटी ह्यूमनिस्टिक मेथड। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है कि एंटी ह्यूमनिस्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस है। ह्यूमन बीइंग आर नॉट फ्री टू क्रिएट ओन वर्ल्ड। जो मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म कहता है कि मानव को, ह्यूमन को सेंटर में रखा जाए, बट ये कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म इज एक एंटी ह्यूमनिस्टिक मेथड है एनालिसिस का। ह्यूमन बीइंग आर नॉट फ्री टू क्रिएट ओन वर्ल्ड। सोसाइटी इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बट ए सिस्टम और स्ट्रक्चर। इट इज स्ट्रक्चर और सिस्टम दैट डिटरमाइन द लाइव आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल। एंड ही रिजेक्टेड द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ऑफ मार्क्स। मार्क्स का कंसेप्ट था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस लेवल पे बनती है। आइडियोलॉजिकल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन इसमें आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लुईस अल्थुसर ये किस किस में, तीन पार्ट थे, कौन से थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। सो फ्रेंड्स दिस इज फॉर टूडेज। आने वाले वीडियोज में हम जो थिंकर्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो हम उनकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट कुछ थिंकर हैं जिनकी फिलोसफी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उनके ना शॉर्ट वो बनाएंगे वीडियोस। यू कैन से कि एक वीडियोज के अंदर है ना तीन तीन दो दो तीन तीन थिंकर्स ऐड किए जाएंगे, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हैं बट इतना ही है जितना हमने कवर किया है। आने वाली सीरीज़ में से कार्ल मार्क्स आएगा, ये थिंकर इंपॉर्टेंट हैं तो हम उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे उनके लिए। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।